देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले तीन दिन आसमान साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीते रविवार की बात करें तो आसमान काफी हद तक साफ रहा। सुबह तेज हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दें कि प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार पिछले दिनों के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से दिल्ली का AQI 193 रहा, जो मध्यम श्रेणी में उच्च स्तर है और ये खराब श्रेणी से सिर्फ 7 अंक कम है। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 दर्ज किया गया, जबकि गाजियाबाद का 141, ग्रेटर नोएडा का 196 और नोएडा का 182 दर्ज किया गया। इससे NCR के इन शहरों में भी हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रही। गुरुवार को बात करें तो गुरुग्राम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, 202 ये रहा। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसके कारण 20 और 21 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है।